बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आप सब ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि मैं जितने भी वीलॉग्स करता था और मेरी जितनी भी वीडियोस आप देखते थे वो सारी दुबई या जो सऊदी अरेबिया, जब मैं उम्रे के लिए गया तो आप वहाँ से देखते थे, लेकिन आज मैं अपने होम टाउन अपने पाकिस्तान में मौजूद हूँ। और सबसे बड़ी बात कि जिस जगह मेरा जो लास्ट टाइम जो फोर ईयर जो मेरे गुजरे यूनिवर्सिटी में, हेले काली जो पेंटिंग है फैनान, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं वो हेले काली जो पेंटिंग है ना, उसका वो वहाँ पर मेंशन लिखा हुआ है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इंशाल्लाह कल कॉन्वोकेशन है और आज हमारी थे जो प्रैक्टिस सेशन था, आज हमारा वो सेशन था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर और बड़ी खुशी हुई कि हम तकरीबन डेढ़ साल बाद जितने भी यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स थे, हमारे टीचर्स थे, तो सबसे तकरीबन डेढ़ साल बाद आज मुलाकात हुई। तो आज मेरे साथ मेरे क्लास फेलो वकास मुंड आज हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है वकास भाई? आप खैरियत से? और हमारे जो सब देखने वाले हैं, तो ये हमारे मेरे फ्रेंड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चार साल में इनके साथ पढ़ा और बहुत अच्छा हमारा टाइम गुजरा। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अभी पाकिस्तान में जॉब कर रहे हैं, इसी तरह मैं दुबई में जॉब कर रहा हूँ। तो आपको कैसा लगा आज आके और क्या आपकी फीलिंग्स हैं, हम डेढ़ साल बाद फिर इकट्ठे हुए, फिर मिले, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा कि एक टाइम के बाद जो है सारे फ्रेंड्स दोबारा इकट्ठे हो गए हैं। चले, एक जो होता है वर्चुअल कम्युनिकेशन होती है, हम फोन पे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। फोन पे जैसे हम एक दूसरे के सिर्फ इतना पूछ सकते हैं कि आपका क्या हाल है, क्या करें, लेकिन फिजिकली एक दूसरे को देखना और एक बात करना और एक दूसरे की सारी फीलिंग्स को देखना, वो बड़ा अच्छा लगा। और जैसा कि उमाद ने बताया कि हम लोग चार साल इकट्ठे रहे हैं, तो चार साल की जो जर्नी थी, हमने बहुत सारे अपने टाउन भी देखे। और हमारा फर्स्ट डे जो था वो उमाद की नाक से स्टार्ट हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो प्राउड ऑफ हिम के इस हमारा आखिरी दिन, कल जो कॉन्वोकेशन का दिन है, वो भी इसकी नाक पे ही एंड होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी हमारी जर्नी रही है और हमने इस जर्नी के दौरान उमाद का स्पोर्ट भी सीखा भी। ओवरऑल हमारे फ्रेंड्स जो हैं, जिन्हें अमजद हैं, अवैस हमजा हैं और अरसलान मुहीद, हमारा जितना भी ग्रुप था, हमने बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ सीखा, बड़ा अच्छा टाइम गुजारा और स्टडी भी की। ड्यूरिंग दिस हमने अपनी जॉब के एक्सपीरियंसिस भी किए डिफरेंट प्लेसेस पे और फिर उसको हम लोग डिस्कस भी किया करते थे। और जब 2019 में कोविड आया, तो कोविड के दौरान हमने उमाद की तरफ स्टे किया और हमने इकट्ठे पेपर्स दिए और बहुत एंजॉय भी किया। और पेपर्स के काम और स्टडी के काम से कहीं ज़्यादा हमने खाना बनाना सीखा और वहाँ पर हमने डिफरेंट होटल्स का खाने को इन्जॉय किया। और उसके साथ साथ फिर हमने उमाद की मामा जो है आंटी के हाथ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें खाई और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। और वो टाइम बहुत अच्छा था जो कि हमारा एज ए स्टूडेंट गुजरा। तो आई होप सो कि हमारा जो टाइम अब यहाँ है लेके बाद है, कल की कॉन्वोकेशन के बाद का जो टाइम है, वो भी इंशाल्लाह ऐसे हंसते मुस्कुराते हुए इतने प्यार से गुजरेगा इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मोहतरम अज़ीज़ों। जैसे कि वकास ने बताया कि इतने अरसे बाद हम मिले और जब इंसान फिज़िकल तौर पर एक दूसरे से मिलता है तो उसका एक इलादा ही, उसकी एक खुशी और उसका एक इलादा ही बिल्कुल मज़ा होता है। तो बहुत अच्छा टाइम गुजरा यूनिवर्सिटी में, हमारे टीचर्स ने सब ने हमारा बहुत साथ दिया और मेरी क्लास में जितने भी मेरे भाई या जितने भी बहन थे, तो कभी भी कोई प्रॉब्लम हुई, कभी भी कोई स्टडी के हवाले से कोई चीज़ हमने डिस्कस करनी हुई या उसका सलूशन हमें चाहिए होता था, तो सब बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। तो आज मैंने आपके साथ अपने हेले कॉलेज का जो वीलॉग था मैंने आपके साथ शेयर किया, तो एक दफ़ा भी सारा दिखा दें माशाल्लाह हमारा हेले कॉलेज। और हर तरफ आप देखें सब्जा ही सब्जा है और खूबसूरत मौसम आज, और अभी भी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो ये हमारा कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटी और यहाँ पर हमारा जो है टाइम गुजरा। और ये सामने देख सकते हैं आप माशाल्लाह, ये मस्जिद बन गई, पहले मस्जिद नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ऐसा हमारे हेले कॉलेज में काफ़ी न्यू चीज़ें जो है बन रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डेवलपमेंट का काम जो है वो बहुत अच्छे से हो रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह कल कॉन्वोकेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपने भाई उमाद जुनेजम शेर को इजाज़त दें, कल इंशाल्लाह आपसे बात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।